नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुत ही विवाद में अक्सर रहता है। हिंदू और सनातन में अंतर क्या है, हिंदू कौन है और सनातन कौन है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले आप देख रहे हैं मोहे मलंग और मेरा नाम है निशा भारती। आपको एक बात का ध्यान तो अवश्य होगा कि चीन के आक्रमण से पहले जितने भी आक्रमण भारत के ऊपर हुए वे पश्चिम की तरफ से हुए। पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पार जो एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। जितने भी आक्रमणकारी आए वो हिंदू कुश पर्वत से आए, चाहे बाबर आए थे या खिलजी आए या मोहम्मद तुगलक आए, जितने भी आए सारे के सारे पश्चिमी क्षेत्र से आए। इन लोगों ने हिंदू कुश के पर्वत के पूर्व में जितने लोग रहते थे, पूर्व में कौन है, भारत, नेपाल, वर्मा, भूटान, इन सबको इन्होंने हिंदू नाम दिया था। क्यों? क्योंकि ये हिंदू कुश पर्वत के पूर्व में रहते थे। अब हिंदू शब्द को इतना अधिक दुष्प्रयोग किया जा रहा है, सनातन को हम सब भूल गए हैं बिल्कुल भी। भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सब सनातन हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, ताल्लुक रखते हो। आपको यहाँ एक और बात बता दें कि भारत में भारत के मूल निवासी पठान भी रहे हैं। भारत में जितने भी पठान थे उनकी रीति रिवाज यहूदियों से मिलते जुलते रहे हैं। यहूदियों का रीति रिवाज सनातनियों से मिलता जुलता रहा है। तो इन सबको पश्चिम से आने वाले जितने भी आक्रमणकारी थे, इन्होंने हिंदू नाम दिया। अब सनातन का अर्थ क्या है, क्या है सनातन का अर्थ? तो सनातन का तात्पर्य यह है कि कुदरत के मुताबिक प्रकृति के मुताबिक, प्रकृति के लिए, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की तरह से जो जीवन जीता है वो सनातनी है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे धर्म में, यानी सनातन धर्म में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा होती है, और अब इस सब इन पेड़ों के नाम से अनजान नहीं है, जैसे कि पीपल, बरगद, नीम, आम, आंवला, केला, बेल इत्यादि। इस तरह से फूलों को ले लीजिए। अब किस देवता के ऊपर कौन सा भोग चढ़ेगा ये फल तय करते हैं, फूल तय करते हैं। इसके अलावा फूलों को भी देख लीजिए, यानी जितने भी हमारे वनस्पति हैं सनातनियों ने इसकी रक्षा की है। अब आप जीव जंतुओं को देख लीजिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में फर्क बस इतना है कि हिंदू विचारधारा है और सनातन शाश्वत सत्य है। आजकल इसे हिंदू धर्म की संज्ञा दे दी गई है, अर्थात यूं कह देना भी उचित होगा कि कल के सनातन धर्म को हम आज हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। हिंदू को धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। 1000 साल में मुगलों, अंग्रेजों, कम्युनिस्ट, वामपंथी सब ने मिलकर सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। फिर आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बची खुची कमी की भी ऐसी तैसी कर दी भगवान और महान बनने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे सनातन अपने अस्तित्व की ओर बढ़ रहा है और धर्म की पुनर्स्थापना हो ही जाएगी और हम सनातनी फिर से स्वाभिमान से जिएंगे। हिंदू और सनातनियों के काफी मतलब निकाले जाते रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू एक ही है। सनातन का अर्थ प्राचीन यानी कि वैदिक धर्म, यानी सनातन जो सदा से था, आज भी है और सदा रहेगा, जिसका कभी नाश ना हो, वही सनातन है। संक्षेप में उत्तर यही है कि हिंदू नाम से वास्तव में कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन पद्धति है और सनातन एक धर्म है जिसमें उद्गत सिद्धांतों पर चलने वाले सनातन धर्मी हैं और उनकी जीवन पद्धति का पालन करने वाले सनातन धर्मी हिंदू। कुछ हजार साल पहले हिंदू धर्म जैसे कोई चीज नहीं थी, हिंदू इस धरती का नाम था और सनातन धर्म यहाँ का धर्म। हर धर्म को एक विश्वास या एक सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन धर्म विश्वास करना नहीं, खोजना सिखाता है। सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताए कि आप इस पर विश्वास कीजिए वरना आप मर जाएंगे। यह इस तरह की संस्कृति नहीं है। यह आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपके मन में सवाल उठाए, ऐसा सवाल जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। सनातन धर्म की पूरी प्रक्रिया आपके भीतर प्रश्नों को खड़ा करने के लिए ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सवालों का रेडीमेड जवाब नहीं देता, बल्कि यह आपके भीतर इस तरह से सवाल खड़ा करने की गहनता लाता है कि आप खुद ब खुद इन सवालों के जवाब
तलाश लेते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बहुत सारे लोगों में कुछ चीजों का स्थापित करने की बेचैनी धीरे धीरे घर करती जा रही है। दूसरे धर्म के आगे निकल जाने की भावना पैदा हो रही है। इस कोशिश में वह पूरे शाश्वत व सनातन ज्ञान को महज एक पवित्र किताब या ग्रंथ तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी इसका अनुसरण करें। यह कभी हमारा तरीका नहीं रहा है। लोग आज बता रहे हैं कि गीता का अनुसरण करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अर्जुन ने खुद गीता के उपदेश के दौरान लाखों सवाल किए। अगर आप सीधे सीधे गीता का अनुसरण करेंगे तो गीता के उपदेश का बुनियादी मकसद ही खो जाएगा। हम सनातनियों का मकसद अपने तरीकों को दूसरों पर थोपने के बजाय दुनिया में हर एक इंसान के भीतर खोजने का भाव लाने का होना चाहिए। अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं तो मैं आपसे लाखों सवाल भी पूछ लूं तो दिक्कत क्या है? सवालों से दिक्कत तभी है जब आप झूठ पर खड़े होते हैं। तो सनातन धर्म का मकसद लोगों में जिज्ञासा की गहन भावना को जगाना है और यह कोशिश मैं जारी रखूंगी। जब हम योग की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन अभ्यासों से है जिनकी ओर सनातन धर्म के सिद्धांत इशारा करते हैं। अब देखेंगे कि आने वाले 50 सालों में सिर्फ वही सिद्धांत वही तरीका काम करेगा जिसके पीछे कोई सार्थक कारण हो जाए और जो ऐसा व्यवहारिक समाधान पेश कर सके जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सनातन धर्म को आगे लाने का यह उपयुक्त समय है। साथ ही यह ध्यान में रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इसे हिंदू धर्म के तौर पर प्रचारित ना किया जाए, क्योंकि यह हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदुत्व का विचार ही अपने आप में एक विदेशी अवधारणा है जो इस देश में कभी मौजूद ही नहीं थी। हिंदू शब्द इसकी भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया। जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती थी उसे हिंदू कहा गया। इसलिए अब वो समय आ गया है कि हम खोजने के भाव को वापस लाएं। इसका किसी विश्वास या मत से संबंध नहीं है कि यह मेरा धर्म है, यह बनाम धर्म का मामला नहीं है। यह इससे जुड़ा है कि हम अपने आसपास की हर चीज पर पूरे सम्मान के साथ और गौर करें और महसूस करें कि हम क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। यही सनातन धर्म की प्रकृति है। सनातन धर्म अगर शाश्वत है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह इंसान के समझ या बुद्धि के अनुकूल है। यह वजह है कि सनातन हमेशा रह सकता है। तो अगर हम वाकई में चाहते हैं कि पूरी दुनिया सनातन धर्म का अभ्यास करे तो बेहद महत्वपूर्ण है कि इसकी पहचान किसी भी रूप में स्थापित नहीं होनी चाहिए। मानवता के परम कल्याण के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा का एक गहन भाव लाया जाए। यही सनातन धर्म का असली लक्ष्य है। अगर आपको आपका लक्ष्य समझ आ गया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें भटकने से बचाएं। हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और ऐसे ही मीनिंगफुल मिस्ट्री हिस्ट्री आपके सामने लाती रहूंगी। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय सनातन। नमस्कार।